तो भाई देखो, बात अगर डंकी की होगी तो बात सलार की भी होगी यार। और सारी चर्चाएं होंगी बॉक्स ऑफिस को लेके, पैन इंडिया को लेके, हिंदी को लेके। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक आपको इस वीडियो में मैसेज देना जो मैं मतलब सारे व्यूअर्स को मैसेज देना जो मैं लास्ट पे दूंगा, वीडियो को एंड तक इसलिए जरूर देखना। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो यार, सलार का पहले दिन आया 90.7 करोड़, 15.75 हिंदी से आया, बहुत बढ़िया। मतलब वहां तक तो हम कुछ वर्डिक्ट नहीं दे सकते थे, बट अच्छा था। सेकेंड डे मैंने खुद बोला यार, सलार देखो ऑल इंडिया लेवल पे ड्रॉप हुई, मुझे पसंद नहीं लगा यार, ये ड्रॉप ही है। तो 56.35 करोड़ आया इंडिया नेट, हिंदी 16.35 आया, इसका मतलब मोटा मोटा 1/3 हिस्सा हिंदी का आना शुरू हो गया, जो फर्स्ट दिन 1/5 था। अब थर्ड डे अभी 10 बजे तक सलार का अच्छा जंप आया है, जो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार सलार मूवी भी सैटरडे के बाद संडे एकदम ऐसे ड्रॉप हो या कुछ हो, या फिगर्स वैसी आए मिलती जुलती। तो आई थिंक अगर अभी 62.89 है तो ये 64-65 तक सलार संडे जाएगी, विच इज अ गुड थिंग। बट अब देखो हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है थर्ड डे की, सुबह की थी 27 कुछ समथिंग%, आफ्टरनून तक आते आते 51% हो गई, तो मुझे लगा सलार इज ग्रोइंग इन हिंदी। इवनिंग में 61% आई, विच इज ऑल्सो गुड। अब नाइट के शोज पे बहुत डिपेंड करता है कि सलार कल के जो 16.35 करोड़ है उसमें 18 से 20 करोड़ लाएगी या नहीं लाएगी। पहली बात तो ये कि अगर 18 से 20 करोड़ लाती है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर हिंदी। दूसरी चीज मुझे मतलब सलार के मेकर्स को, या कह लो कि अपने जो हमारे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बनाते हैं, उनको एक बात जरूर बोलनी है। देखो यार, आपने फर्स्ट डे 90.7 किया, 15.75 हिंदी में किया, वो 1/5 था, मान सकते थे, बहुत छोटा सा पार्ट था। लेकिन यार देखो, अब थर्ड डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अगर सलार 18-20 करोड़ कर रही है संडे, दैट मींस कि हिंदी ऑडियंस इज वेरी मच सपोर्टिंग दिस मूवी। देखो ये मूवी हिंदी में अच्छा कर रही है, ये हर लैंग्वेज में गिर गई है, आप एक चीज नोटिस करना, ये हर लैंग्वेज में ड्रॉप हुई है, बट हिंदी ऑडियंस इसको सपोर्ट कर रही है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी एक बात बोलना चाहता हूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो भी अपनी मूवीज बनाती है, उनको ये बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी फर्दर ऑन। मैंने लियो में ये चीज फील करी थी कि हिंदी ऑडियंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। भाई हिंदी ऑडियंस ही है जिसने बाहुबली को, पुष्पा को, RRR को, KGF को, सबको कहां पे कहां चढ़ाया। तो जो उनके 1000 करोड़ थे वो आई थिंक हिंदी ऑडियंस के कलेक्शन का बहुत बड़ा एक चंक था, और यही चीज मुझे सलार में आती हुई भी नजर आ रही है। सलार की अब कलेक्शन हिंदी की 1/3 होती जा रही है, एंड यू नेवर नो कि फर्दर गोइंग जब अभी वीकडेज आएंगे तो आपको कुछ नहीं पता, 50-50% पे ये कलेक्शन आ जाएगी, मतलब 50% रेस्ट ऑफ इंडिया में कलेक्शन आ रही है और 50% हिंदी की आ रही है। तो भाई देखो, हिंदी ऑडियंस सपोर्ट करती है, एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि हिंदी मूवीज जो बनती हैं उनको भी साउथ इंडस्ट्री में उतना ही प्यार मिलना चाहिए। कोई भी मूवी हो, किसी भी रीजन में रिलीज हो रही हो, किसी भी लैंग्वेज में रिलीज हो रही हो, अगर उस मूवी में दम है ना, कंटेंट फॉर मसलन जैसे जवान हो गया या कोई भी मूवी उठा लो, अगर आपको मूवी समझ में आ रही है ना, तो सपोर्ट दैट मूवी जैसे कि हिंदी ऑडियंस करती है। सलार का वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया में ड्रॉप जरूर है फर्स्ट डे के हिसाब से, बट वो अमूमन देखा गया यार साउथ मूवीज में ना, फर्स्ट डे फैंस आते हैं उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप होती है, बट हिंदी ऑडियंस स्टिल सपोर्टिंग सलार। एंड आई बिलीव कि 100 करोड़ अगर सलार कर जाती है, देखो KGF का लेवल मैच नहीं कर पाती, दैट इज ओके, कोई बात नहीं, बट अगर 100 करोड़ भी कर जाती है देन ठीक है, बुरी नहीं है। मान अब देखो क्लैश आया, क्लैश में अब आपने, मुझे पता है वो एक बात हो रही होगी यार कि KGF लेवल की कलेक्शन करेगी, वो मैं कब से वीडियो में बोल रहा हूँ, आई थिंक 15-20-25 दिन हो गए कि वो लेवल की कलेक्शन नहीं आ पाएगी क्लैश के बावजूद भी, और इतना कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है जो KGF का था। तो जो भी रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से अगर 100 करोड़ भी आ जाते हैं ना सलार के, तो आई थिंक दैट इज अ विन इन इटसेल्फ। बाकी आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, मुझे बताना जो मैंने एक बात बोली है कि हिंदी ऑडियंस सपोर्ट करती है और 1/3 पे आ गई है सलार की कलेक्शन के टोटल, वो मैंने बात, इवन प्रभास के फैंस भी देख रहे हैं सलार मूवी के, अपने फैंस भी देख रहे हैं, डाउन साउथ भी लोग देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है भाई इंडियन कंटेंट, इंडिया मींस इंडिया, इंडिया डजंट मीन बॉलीवुड अलग, टॉलीवुड अलग, तेलुगु अलग, ये अलग वो अलग, कोई अलग नहीं है। हर मूवी को हर रीजन में सपोर्ट करो, ये मेरी विश है, और अगर कोई भी मूवी बढ़िया होगी तो भाई मैं तो सपोर्ट करूंगा एज अ, मतलब क्या बोलूं, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हर सारे लोग मिल बांट के अपना, मतलब सब कुछ मिल के चले, ये मेरी सोच है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है। Take care, bye-bye.